आज की रात विनायक और रिद्धि के रिश्ते की पहली रात। जितना भी विनायक की खुशी चाहे, लेकिन इस रात के अंधेरे को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस रात इस अंधेरे से दूर जाना होगा। तुमने देखा ना, जैसे ही तुमने इस घर की दहलीज पार करने की कोशिश की, वीनू को सांप काट गया। अब इस बात का इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तुम ही हो हमारे वीनू की सुरक्षा कवच। तुम अगर वीनू से दूर चलेंगे तो वीनू हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा। और इस उम्र में हम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं, हम ये कहते हुए बहुत ही स्वार्थी सुनाई दे रहे हैं, पर क्या बिटिया, कहने को हम दे दिया है, लेकिन वीनू को हमने बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। एक माँ, एक बात हमारे सामने झोली पहना के विनती कर रही है कि तुम वीनू से दूर मत जाओ। तुम तो क्या, अगर तुम्हारी परछाई भी वीनू से दूर चली गई, वीनू हमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। हम उसे खोना नहीं चाहते। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बच्चे। आज हमारी फर्स्ट नाइट है। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, और आज की रात को मैं अपनी जिंदगी की सबसे स्पेशल नाइट बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। मैं चाहता हूं कि आज रात को तुम इसे पहनो। क्या हो रही थी? I'm sorry, विनायक, पर मुझसे ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? Actually, सिद्धि के बारे में जान के बहुत बुरा लग रहा है। मेरा पूरा ध्यान ही उस तरफ है। कुछ ही दिनों से जानती हूँ मैं सिद्धि को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है उनसे। मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी है, और इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनका उनके पति उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बस इसी बारे में सोच रही हूँ मैं तब से। पता है, मैंने सोचा था जिस दिन मैं शादी करूँगी, सिद्धि दी भी उसी दिन दोबारा अपने पति के साथ फेरे लेगी, और हमारा बहनों जैसा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। ये तो हो नहीं पाया, लेकिन भगवान से मैंने प्रण लिया है कि जब तक सिद्धि के पति उन्हें वापस नहीं मिल जाते, तब तक मैं पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाऊंगी। आप इसे ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना समझ लीजिए या मेरा उपवास। लेकिन जब तक से दीदी के पति उनके पास लौट के नहीं आ जाती, मुझे भी आपसे दूर रहना होगा।
विनायक, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। और उस दर्द का क्या जो मुझे हो रहा है? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हें। तुम जैसे लोग पहले खुद आग लगाते हैं ताकि आगे चल के सबकी शाबाशी हासिल कर सको। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हें। तुमने जानबूझ के मुझे सांस से कटवाया ताकि सबकी नजरों में महान बन सको। मेरी हमदर्दी हासिल करके मेरे घर वालों के करीब आ सको और रिद्धि को मेरी जिंदगी से दूर कर सको, राइट? सर ये बता, हमारा ऐसा कोई? और इतना ही नहीं, तुमने रिद्धि से दोस्ती भी जानबूझ के की ताकि आगे चल के उसकी नजरों में बेचारी बन सको और उसकी हमदर्दी हासिल कर सको और उसे इमोशनल करके मेरे और तुम्हारे बीच से दूर कर सको, है ना? वाह सिद्धि वाह, तुम जैसी सांवली और चालाक लड़की मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। विनायक कहाँ चले गए? मुझसे नाराज होके गुस्से में उन्हें ढूंढ कर मना रहा। तुम्हें क्या लगा था मेरी भूली हुई याददाश्त का फायदा उठा के तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा? कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की, क्योंकि तुम जैसी सांवली और चालाक लड़की को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। प्रदीप, आपने विनायक को देखा है क्या? वो एक्चुअली मैं विनायक को ही ढूंढ रही थी। वो इस तरफ तो नहीं आए ना? वो मुझसे नाराज होके मेरे रूम से निकले हैं। मैंने ही अपसेट कर दिया उन्हें। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैंने बेचारे गिफ्ट में साड़ी भी लेके आए थे मेरे लिए, पर मेरा ही मन नहीं था इन सब में। मैं आप और आपके प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी और इन सब में इतनी उलझ गई कि मैंने ही उनसे कह दिया कि वो मुझसे दूर रहे। ये भी कि जब तक आप और आपके पति एक नहीं हो जाते तब तक मैं उनके करीब नहीं आऊंगी। बस इसी बात से गुस्सा हो गया वो मुझसे और चले गए। लेकिन रिद्धि, लेकिन कुछ नहीं सिद्धि, आप भूल गए सिद्धि थी। आप सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन भी है। वो बहन जिसे मैंने खो दिया था, अब एक बहन अपनी दूसरी बहन को उसका प्यार दिलाने के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। भगवान को मेरी जिद के आगे झुकना ही होगा और उनको आपको आपके पति से मिलाना ही होगा। मैंने कहा ना तुम्हें? पता है, आपने कहा कि आपका रिश्ता आपके पति से खत्म हो गया, लेकिन सिद्धि थी पति पत्नी के रिश्ते तो जन्मों जन्मों के होते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते। और अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। एक दिन आपके हस्बैंड भी
आपको ढूंढते हुए जरूर आएंगे, देखना आप। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपका क्या लेना देना है इस घर से? आप यहाँ क्यों रह रही हैं? क्या रिश्ता है आपका इस घर से? वही रिश्ता है जो एक बहू का उसके ससुराल में होता। मतलब ये कि हम भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू। हमारे पति भी इसी घर के बेटे। ओह माय गॉड, मतलब आपके पति भी? मुझे इस बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं? मेरी सिद्धि दी, अब हम सिर्फ दोस्त नहीं और बहनें भी नहीं, बल्कि देवरानी जेठानी भी है। अब हम दोनों एक ही छत के नीचे हमेशा रहेंगे, साथ साथ। पहले दोस्त, फिर बहन, और अब जेठानी। अब तो तीन तीन रिश्ते हो गए हमारे। अब तो ये रिद्धि आपको आपके पति से मिलाकर ही रहेगी। आपको आपके पति का प्यार दिलाकर ही रहेगी। और वैसे भी कैसे भला कोई इतनी प्यारी पत्नी को छोड़कर जा सकता है? तुम्हें अपने पति को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था, वो भी आज के दिन। जाओ और उन्हें मनाओ, और उन्हें मनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो। सब कुछ का तो पता नहीं, पर वो मुझे उस साड़ी में देखना चाहते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। चलती हूँ, जाके उन्हें वो साड़ी पहनकर दिखाती हूँ, ताकि उनका गुस्सा छूमंदा हो जाए। हमसे ज्यादा बदनसीब भला कौन हो सकता जिसे अपने ही पति की खबर किसी दूसरी लड़की को भेजना पड़े। आने दो विनायक को, जब मैं ये साड़ी पहन के उन्हें दिखाऊंगी तो उनका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। बस एक बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, बाकी तो मैं सब संभाल लूंगी। उनका जितना भी मूड खराब हो मैं सब ठीक कर दूंगी। सिद्धि, सिद्धि बेटा कैसे है तू? बुआ जी मैं आपका भाई। बस अभी अभी सीधे गांव से चले आ रहे हैं, और देख तेरे लिए क्या लाए हैं। हे बेटा, ये माता रानी के मंदिर की साड़ी है, और खास गांव के मंदिर में जाकर माता रानी के चरणों में इसे छुआ कर हम तेरे लिए लाए। बेटा, गांव में ये मान्यता है कि जो भी सुहागन इस साड़ी को पहनती है ना, तो ना सिर्फ उस पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, बल्कि उसकी सुहाग पे आया हर संकट हमेशा हमेशा के लिए टल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तू ये साड़ी पहनकर भगवान का आशीर्वाद ले ले, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ बुआ जी, हम जरूर इस साड़ी को पहन के भगवान का आशीर्वाद लेंगे। बेटा, तुझसे एक बात और कहनी है। देख, कहते हैं कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और हमें लगता है कि हमारा विनू जब जब तेरी इन आंखों में देखता है ना, तो उसे तू नहीं बल्कि माया नजर आती है। वो माया जिसने हमारे विनू को सिर्फ धोखा दिया है, वो माया जिसे हमारा विनू बहुत नफरत करता है। इसीलिए बेटा, अगर तू चाहती है
कि बिन्नू तुझे फिर से पहचान जाए और तेरे करीब आ जाए, तो तुझे इन आंखों को खुद से दूर करना होगा। मल्लिका आंटी का फोन इस वक्त। हेलो आंटी, कैसे हैं आप? अच्छी होती तो इतनी रात को फोन थोड़ी ना करती तुझे। कमर की नस खींच गई है, ना सीधा खड़ा हुआ जा रहा है ना लेटा जा रहा है। बेटा तू एक काम कर, जल्दी से आ जा, नहीं तो समझ ले आज तो तेरी इस मल्लिका आंटी की जान ही निकल जाएगी। आंटी अब बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने जो आपको मरहम दी है और जो पेन किलर दिया है, किसी को कह के वो लगवा लीजिए। हाय मैं मर गई। आंटी क्या हुआ? पानी का ग्लास उठाने के लिए झुकी तो फिर से नस खींच गई। बेटा उस पेन किलर का कोई असर नहीं हो रहा, अब जो मरहम शरम लगानी है खुद आके लगा दे, वरना तेरी आंटी तो आज गई। आंटी मैं किसी को भेजती हूँ आपकी थेरेपी के लिए। किसी और को भेजा तो हाथ भी नहीं लगाने देना मैंने उसे अपनी कमर पे। तुझे तो पता है बेटा बस एक ही डॉक्टरनी है जिसके हाथ से आराम आता है मुझे। तू आ सकती है तो आ जा, नहीं तो मरने दे अपनी आंटी को। कि मालिक आंटी में ना इतनी आदत हो गई है इन्हें मेरी कि किसी और का हाथ लगने ही नहीं देंगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। मिसेस रिद्धि पांडे अब डॉक्टर बनी हो तो अपने पेशेंट को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती। विनायक के लिए एक मैसेज छोड़ देती हूँ। आई एम रियली सॉरी विनायक, एक पेशेंट की थेरेपी के लिए अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। टेक केयर। कमरे में भी नहीं, ये रिद्धि आखिर कहां गायब हो गई अचानक? आपने बताया नहीं माँ, इतनी रात को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अपनी बेटी की चिंता है। विनायक पे तो भरोसा कर सकती हूँ मैं, लेकिन वो धनलक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं। अपनी एक बेटी को तो उसकी वजह से पहले से ही खो चुकी हूँ मैं। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी रिद्धि को भी कोई नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ है मेरी रिद्धि, मेरी दीवी साड़ी पहन ली है, मतलब इरादा बदल दिया है अपना इसने। चल के देखते हैं। देखा ना आखिर जीत मेरे प्यार की हुई। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है। थैंक्स मेरी दीवी साड़ी पहनने के लिए। तो ये चल रहा है यहां? ससु माँ आप यहां? वाह उज्ज्वला, तुम इतनी रात के हमारे घर में क्या कर रही हो? यहां नहीं आती तो ये मंजर कैसे देखती अपनी आंखों से? मंजर, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। ये बात क्या कि तू नहीं जानती कि यहां क्या चल रहा था?
शादी मेरी बेटी से और सुहागरात इस लड़की के साथ। हमारे दामाद के साथ क्या लगती है ये हमारे दामाद की जो इसे अपनी गोद में उठाए गोल गोल घूम रहे थे। जवान संभाल के बात कर दल। चुप रह दल लक्ष्मी। अरे तुझसे और तुम्हारे खानदान से और उम्मीद भी की क्या जा सकती है। एक बेटी की जान तो चली गई तेरी वजह से, अब दूसरी को भी जीने लायक नहीं छोड़ देना चाहते तुम लोग। इसलिए उसके पीठ के पीछे उसे इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तुम इस चरित्रहीन लड़की को बहाना बना के एक मिनट। बहुत बोल चुकी हैं आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमारे घर की बहू का अपमान कर रहे हैं। आप सिद्धि के बारे में जानती क्या? हमारी सिद्धि पूरी दुनिया से अलग है। तो रहने दो ना इसे अपनी दुनिया में। मेरी बेटी की दुनिया क्यों उजाड़ना चाहती है, क्यों आग लगाना चाहती है? मुझे तो पहले से शक था इस पे माँ, शुरुआत से गड़बड़ लगती थी ये। आंटी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं, हम तो बस भगवान के सामने। एक मिनट, तेरे इसी भगवान के आगे और तेरे इस परिवार के सामने तेरी बात का जवाब तो मैं देती हूं। मेरी बेटी का सुहाग छीनेगी तू, उसके पति के साथ रंग रलियां मनाएगी तू, तेरी जैसी चरित्रहीन लड़की को तो बाल पकड़ के घर के बाहर धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। बदतमीज। सिद्धि हमारी घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की इज्जत पर कोई हाथ उठाए तो हम उसका हाथ तोड़ देते हैं। और हाँ, स्वयं ईश्वर भी आसमान से धरती पर उतरकर अगर ये कहेंगे ना कि हमारी सिद्धि में कोई खोट है, तब भी हम में से कोई इस बात को नहीं मानेगा। सासु, आप प्लीज गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच ये है कि जान गई हूं दामाद जी कि खिचड़ी दोनों तरफ से पक रही है। मेरी बेटी ने बताया था मुझे कि ये लड़की इस घर में रहती है, इसका पति छोड़ के इसे चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने देवर पर ही डोरे डाले। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.